हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है मैरी माय हस्बैंड। एपिसोड की स्टार्टिंग हमारी ड्रामा के मेन लीड से होता है जिसका नाम जी ऑन है। वहीं वो हॉस्पिटल में होती है और वो खिड़की के बाहर शेरी ब्लॉसम को देख रही थी। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो खिड़की को बंद करके जी ऑन से कहती है, तुम अभी भी प्रीटी हो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी अगर तुम मुझे अकेली छोड़कर गई तो। इस लड़की का नाम सुमिन है, ये जी ऑन की बेस्ट फ्रेंड होती है। वहीं जी ऑन कहती है, मैं शादी में अनलकी हूँ लेकिन तुम मेरे पास हो उसमें मैं अलकी हूँ। तो सुमिन कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा है। तो जी ऑन कहती है, वो मुझे चीट कर रहा है, उसने मुझे लव यू और मिस यू सेंड किया था लेकिन फिर उसने उस मैसेज को डिलीट कर दिया। मैं श्योर हूँ कि उसने गलती से मुझे भेजा होगा। तभी वो सुमिन के रेड हिल को देखती है। वहीं सुमिन उससे पूछती है, क्या मैं उससे बात करूं? तब जीवन मना करती है। वहीं जीवन को कैंसर होता है। तब सुमिन कहती है, तुम कभी गिव अप मत करना। उसके बाद जीवन अपने ट्रीटमेंट कराती है जहां वो लेटी हुई थी और वो कहती है, मैं लास्ट टाइम कब खुश थी मुझे नहीं पता। उसके बाद वो अपने शादी के सीन को याद करती है जहाँ वो बुके सुमिन पर फेंकती है। और यहाँ हम जीओन के हस्बैंड को देखते हैं जिसका नाम मिनहवान है। वहीं मिनहवान की मॉम जीओन के पास आती है और कहती है, आज से मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम हमारी फैमिली हो। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ मिनहवान की मॉम जीओन को डांट रही थी और कहती है, क्या तुम्हें कुछ करना नहीं आता है, तुम्हें अभी तक बच्चा भी नहीं हुआ है। वहीं मिनहवान अपनी मॉम को रोक भी नहीं रहा होता है। वहीं मिनहवान का कॉफ़ी जाकर जीओन के ऊपर गिरता है लेकिन उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां मिनहवान ने अपनी जॉब छोड़ दी होती है। तब जीओन उससे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया, हमें कई लोन के पैसे पे करने हैं। तब मिनहवान उस पर चिल्लाता है। उसके बाद हम जीओन को ऑफिस में देखते हैं जहाँ उसके बॉस उसे डांट रहे होते हैं। तभी जीओन के पेट में दर्द होने लगता है और उसके नाक से खून निकलता है। उसके बाद वो घर जाती है जहाँ वो देखती है लॉक अभी तक ठीक नहीं हुआ है, जिसके बारे में वो मिनहवान से कहती है। तब मिनहवान फिर से उस पर चिल्लाता है। वहीं जीओन के पेट में फिर से दर्द होने लगता है। उसके बाद हम जीओन को डॉक्टर के पास देखते हैं जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं, तुम्हें कैंसर है। उसके बाद हम मिनहवान और उसकी मॉम को देखते हैं जहाँ मिनहवान रो रहा होता है। उसकी मॉम उससे कहती है, तुम उससे शादी क्यों की, इसलिए लोगों को शादी करते समय अच्छे से सोच करना चाहिए। यहाँ मिनहवान अपनी मॉम से कहता है, अगर जीओन को कैंसर हुआ तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा। यहाँ उसे जीओन की कोई टेंशन नहीं थी। वहीं जीओन पास में ही होती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ जीओन जा रही थी। तब एक लेडी उससे कहती है, तुम अपने हस्बैंड के बारे में मत सोचती रहो, वैसे भी तुम्हें बहुत अच्छी फ्रेंड मिली है। तब जीओन कहती है, हाँ आपने सही कहा। वहीं हम सुमिन को देखते हैं, वो गाड़ी चलाकर जा रही थी। उसके बाद सुमिन मिनहवान के घर जाती है। यहाँ सुमिन का मिनहवान के साथ अफेयर चल रहा होता है। सुमिन भी जीओन को चीट कर रही होती है। वहीं जीओन जैसा सुमिन के बारे में सोचती है वैसे सुमिन नहीं होती है। वहीं जीओन के पास एक आदमी आता है और कहता है, अगर तुम्हें ट्रीटमेंट आगे कराना है तो तुम्हारे गार्डन को यहाँ आना पड़ेगा। उसके बाद जीओन मिनहवान को बहुत कॉल करती है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल से बाहर जाती है जहाँ वो टैक्सी पर बैठकर मिनहवान के घर जा रही होती है। वहीं टैक्सी ड्राइवर का नाम नामहन होता है। वो जीओन से कहता है, तुम बहुत बीमार लग रही हो, चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तो जीओन कहती है, ऐसा नहीं होगा। वहीं नामहन कहता है, तुम अच्छे रास्ते से जाना चाहिए। वो दूसरे रास्ते से जाने लगता है। तब जीओन कहती है, ये वो रास्ता नहीं है। वहीं टैक्सी टनल से होकर जाती है। वहीं जब टैक्सी टनल से बाहर निकलती है तब जीओन मिनहवान के घर पहुंच जाती है। जीओन पैसा देती है। तब नामहन उसे पैसा वापस कर देता है और कहता है, आज एज अ टैक्सी ड्राइवर मेरा लास्ट डे है, इसलिए तुम ये पैसा अपने पास रखो। तब जीओन पैसा ले लेती है। उसके बाद जीओन घर जाती है जहां वो सुमिन के हिल्स को पहचान लेती है।
उसके बाद जब वो अंदर जाती है तब उसे सुमिन और मिनहवन की आवाज़ आती है। सुमिन मिनहवन से कहती है, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुमने कैंसर इंश्योरेंस के बारे में कैसे सोचा? तो मिनहवन कहता है, जी उनके डैड की डेथ कैंसर की वजह से हुआ था और वो पतली हो रही थी, इसलिए मैंने पहले ही इंश्योरेंस कर लिया। वैसे मुझे ऑलरेडी कुछ पैसे मिले थे, मैंने उससे तुम्हारे लिए बैग खरीदा और बाकी के मैंने स्टॉक में लगाया। तब सुमिन कहती है, जी उनके मरने पर हम एक घर खरीदेंगे। तब मिनहवन कहता है, वो मरने में बहुत टाइम लगा रही है। उसके बाद जियोन देखती है उन्होंने उसके और उसके डैड के फोटो को ख़राब कर दिया है, जिससे वह गुस्से में उनके पास जाती है और चिल्लाती है और उन पर सामान फेंकने लगती है। वहीं मिनहवन सुमिन को बचा रहा होता है। उसके बाद मिनहवन जियोन के पास जाता है और उसे धक्का देकर सुमिन के साथ बाहर चला जाता है। वहीं जियोन फिर से मिनहवन के ऊपर सामान फेंकती है, लेकिन जियोन को खुद को ही भी चोट लगता है। उसके बाद सुमिन जियोन के पास जाती है और कहती है, सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वैसे भी तुम मरने वाली हो, और वो वहाँ से जाने लगती है। तब जियोन सुमिन के पैर में पकड़ लेती है और उसके बाल खींचने लगती है। तब मिनहवन जाकर उसे बचाता है और कहता है, वैसे भी तुम मरने वाली हो, अभी मर जाओ, और वो जियोन को धक्का दे देता है। तब जियोन जाकर ग्लास के टेबल के ऊपर गिरती है और जियोन कहती है, मुझे 6 महीने मिला था जीने के लिए, लेकिन मैं उतना भी जी नहीं पाई। और यहाँ जियोन की 12 फरवरी 2023 को डेथ हो जाती है। उसके बाद हम जियोन को देखते हैं, वो रो रही होती है। तभी मिनहवन उसे बुलाता है और उससे कहता है, तुमने चश्मा क्यों नहीं पहना है? तब जियोन चश्मा पहनती है। मिनहवन कहता है, क्या तुम हॉस्पिटल गई थी? और वो जियोन को पकड़ता है। तब जियोन चिल्लाती है और उसके ऊपर सामान फेंक रही होती है, फिर उसके बाल खींचने लगती है, जो ऑफिस के सभी लोग देख रहे होते हैं। तभी एक लड़का आकर उसे रोकता है, इसका नाम जीहुक है। जीहुक जियोन से कहता है, तुम अभी ऑफिस में हो, रुक जाओ, तुम ये क्या कर रही हो? ये सुनकर जियोन अपने आप से कहती है, काम पर हूँ, और वो दौड़कर मिरर के पास जाती है और वो अपने आप को देखकर शॉक होती है और वो पीछे जाती है। तब वो टेबल से टकरा कर गिर जाती है। वहीं उसके ऊपर ग्लास का जार गिरने वाला था। तभी जीहुक आकर उसे बचा लेता है और उसे उठाता है। तभी वहाँ मिनहवन आता है, साथ ही सुमिन भी आती है। उन्हें देखकर उसे उसका धोखा याद आता है और वो वहाँ से भागकर जाने लगती है और वो भागकर बाहर जाती है। तभी वो गिरने वाली थी। तब जीहुक आकर उसे पकड़ लेता है और जीहुक उससे कहता है, क्या तुम अभी शांत हो सकती हो? तब जियोन हाँ कहती है। वहीं जीहुक देखता है जियोन नंगे पैर है। तब वो नीचे जाता है। वहीं जियोन देखने लगती है यहाँ वहाँ और वो देखती है वहाँ के सभी एडवर्टाइजमेंट 2013 का है। यहाँ जियोन टाइम ट्रेवल करके 2023 से 2013 में आ गई होती है। उसके बाद जियोक खाता है और वो जियोन को उसके सूस पहनाता है। वहीं जीहुक जियोन को उसके घर छोड़ने जाता है और वो उसे पैसा देता है, लेकिन जियोन पैसा लेने से मना करती है। तब जीहुक कहता है, तुम्हारे पास अभी तुम्हारा मोबाइल और वॉलेट नहीं है, क्योंकि वो तुम ऑफिस में छोड़कर आ गई हो, और जीहुक उसे पैसा दे देता है। उसके बाद जियोन घर के अंदर जाती है और वो सामान के डेट को देखने लगती है, जो 2013 का होता है। तभी डोरबेल बजता है और जियोन देखती है जीहुक सामान लेकर आया है। उसके बाद जियोन जाकर सामान अंदर लेकर आती है, फिर वो खाना खाती है और वो अपने आप से कहती है, क्या ये कोई सपना है? कौन सा वाला रियल है? मिनहवन के हाथ से 2023 में मरना या 2013 में जब मैं 31 की हूँ? नहीं, 2023 का ड्रीम नहीं हो सकता है, मुझे पता है जीहुक कौन है। उसके बाद हम जीहुक को देखते हैं। वो 2021 में UNK का CEO बना था, पहले वो जनरल मैनेजर था। फिर हम जियोन को देखते हैं, वो कहती है, क्या मैंने टाइम ट्रेवल किया है? उसके बाद जियोन जीहुक के दिए हुए पैसे को देखती है और नाम ही उनके दिए हुए पैसे को। तब वो देखती है नाम ही उनके दिए हुए पैसे में हार्ट बना होता है। तब वो एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ वो हाई स्कूल में थी। वहीं उसके डैड जिनका नाम कांगहुन है, कांगहुन जियोन को पैसे में ऐसे ही हार्ट का साइन बनाकर देता है। तब जियोन अपने डैड से कहती है, आप ऐसा मत कीजिए। तब कांगहुन कहता है, ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा।
उसके बाद जीवन उसी सिन को भी याद करती है जब नामह्यून उसे बाय करके जा रहा था। तब नामह्यून का नाम कांगह्यून हो जाता है और नामह्यून भी चेंज होकर कांगह्यून बन जाता है। उसके बाद जीवन बहुत रोती है, तभी उसे डोर खुलने की आवाज़ आती है। तब वो देखती है मीनहवन आया है और मीनहवन उसे कहता है चलो हम खाना खाने चलते हैं। उसके बाद वो दोनों एक स्टॉल में जाते हैं। वहीं जीवन सुमिन के मैसेज देखती है जिसमें लिखा होता है तुम कहाँ हो, तुम मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही हो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ। तो जीवन मैसेज करके कहती है मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तुम मत आओ, मैं मीनहवन के साथ हूँ। तभी मीनहवन उसके पास आता है और उससे पूछता है आज तुम्हें क्या हुआ था, मुझे पता है लड़कियों का मूड कभी भी चेंज हो जाता है। तब जीवन कहती है तुम क्या कहना चाहते हो। तो मीनहवन कहता है कब हुआ तुम प्रेग्नेंट, कब हुई, क्या तुम श्योर हो वो बच्चा मेरा है। तो जीवन कहती है तुम क्या कह रहे हो। तो मीनहवन कहता है तुमने कहा था कि तुम्हें लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर जीवन को याद आता है उसके पेट में दर्द होने पर उसे लगा था कि वो प्रेग्नेंट है लेकिन ऐसा नहीं था। वहीं मीनहवन उसे अब्रोशन करने की बात करता है जो सुनकर जीवन कहती है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बस गैस्ट्रिक है, चलो हम ब्रेकअप करते हैं। और वो वहाँ से जाने लगती है। तब मीनहवन भागते हुए उसके पास जाता है और उसे जोर से पकड़ के पूछता है तुम ब्रेकअप क्यों कर रही हो, तुम कौन होती हो मुझसे ब्रेकअप करने वाली, मैं तुम्हें मार ढालूंगा। और वो उस पर हाथ उठाता है। तब जीवन मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसके बाद हम उन दोनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पुलिस उससे कहती है तुम दोनों छोटे से झगड़े की वजह से पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते हो। तो जीवन कहती है मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, कम से कम मुझे घर तो छोड़ दीजिए। उसके बाद जीवन पुलिस के गाड़ी में घर जाती है। उसके बाद वो अपने अकाउंट देख रही होती है और कहती है मेरे बहुत सारे पैसे अभी भी मीनहवन के पास है, मैं क्या करूँ। तभी उसे मीनहवन का मैसेज आता है और वो कहता है सॉरी मुझे गुस्सा आ गया था लेकिन तुम्हारी भी गलती थी, मैं तुम्हारे लिए एक बैग खरीदूंगा जब मेरा स्टॉक ऊपर चला जाएगा। तब उसे स्टॉक के बारे में याद आता है और वो स्टॉक का ऐप डाउनलोड करती है और कहती है मैं इस बार अच्छी लाइफ जीऊँगी। उसके बाद नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप कराती है और डॉक्टर उससे कहते हैं तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, बस गैस्ट्रिक है। फिर वो लाइब्रेरी जाकर स्टॉक मार्केटिंग बुक ले रही होती है जिसमें लिखा होता है अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हो तो ये पढ़िए। तभी उससे बुक के साथ जीहूक देख लेता है और जीहूक बुक देकर उससे पूछता है क्या तुम जॉब छोड़ने का प्लान कर रही हो। तो जीवन कहती है ऐसा नहीं है। तभी वो जीहूक के हाथ के चोट को देखती है जो उसे बचाते समय उसे लगा था। तो जीवन उसे उसके लिए माफी मांगती है। तब जीहूक कहता है अगर तुम सॉरी हो तो मुझे खाना खिलाओ। उसके बाद हम उन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां वो दोनों खाना खा रहे थे। वहीं जीहूक चश्मे की वजह से खाना नहीं खा पा रहा था जिससे वो अपना चश्मा खोलता है। तब जीवन उसे देखती है। वहीं जीहूक उससे पूछता है कैसा है। तब जीवन कहती है ये तो मेरे सोचने से भी अच्छा है। और जीवन मन में कहती है ये तो बहुत हैंडसम है। वहीं जीहूक जीवन के कुछ कहने वाला था तभी सुमिन का कॉल जीवन को आता है। वहीं हम सुमिन को देखते हैं वो जीवन को कॉल कर रही थी लेकिन जीवन कॉल रिसीव नहीं करती है। तब वो जीवन के फोटो को देखकर कहती है तुम ही एक लौटी मेरी फ्रेंड हो। उसके बाद हम फिर से जीवन और जीहूक को देखते हैं। जीवन जीहूक के स्केयर को देखकर सोचती है ये तो सेम मेरे स्केयर के जैसा है जो मेरे हाथ में था। उसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं जहाँ जीहूक जीवन से कहता है तुम बहुत टैलेंटेड पर्सन हो लेकिन शादी के लिए नौकरी छोड़ना शर्म की बात होगी। तब जीवन थैंक यू कहती है और जीहूक और वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जीवन ऑफिस जाती है लेकिन मीनहवन को लिप के पास खड़ा देखकर वो सीढ़ियों से ऑफिस जाती है। वहीं जब वो अपने सीट में बैठती है तो मीनहवन उसे बुला रहा होता है लेकिन जीवन उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। तभी उसके पास सुमिन आती है और उससे कहती है कल मैंने तुम्हें इतना कॉल किया तुमने रिसीव क्यों नहीं किया। तब जीवन कहती है मैं एक स्टोरी देख रही थी जिसमें एक लेडी थी जिसे कैंसर था और उसके हस्बैंड का उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा था। तो सुमिन कहती है उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके हस्बैंड से भी ज़्यादा बुरी होगी। और वो जीवन के पैर में लेटकर कहती है अगर मैं मरी तो तुम मेरा सारा सामान ले लेना और तुम मरी तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगी। तभी जीवन के बॉस बुलाते हैं
उसके बाद जियोन का प्रपोजल उसका बॉस देख रहा होता है और वो जियोन से कहता है, तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया, और वो उसे डांट रहा होता है। तो जियोन अपने आप से कहती है, यही सेम प्रपोजल सुमिन ने मेरे से लेकर दिखाया था कुछ भी चेंज करे बिना, तब उसे प्रमोशन मिला था। उसके बाद जियोन अपने प्रपोजल को ठीक कर रही थी, वहीं वहाँ एक एम्प्लॉय आती है जिसका नाम जोरन है। वो अपना कॉफ़ी कप को रख कर चली जाती है जो गिरने वाला था। तब जियोन पास के एक सीन को याद करती है जब वो कॉफ़ी कप को गिरने से बचाने जा रही थी, तब वो खुद गिर जाती है जिससे उसके पैर में चोट लगता है, लेकिन इस बार वो अलग वे से कप को बचा लेती है। उसके बाद जब वो बाहर जाती है जहाँ उसका पैर किसी सिर से टकराने वाला था, तब जीहुक उसे बचा लेता है। उसके बाद वो बाथरूम से बाहर जाती है, तभी उससे मिनहवन देखता है जिससे वो भागने लगती है। तब वो फिर से एक सिर से टकरा जाती है और उसे उसी जगह में चोट लगता है। उसके बाद वो टेरेस में जाती है और वो कहती है, मैंने अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन जो होना था वो होकर ही रहा, पर मेरा इंजरी चला गया। उसके बाद वो अपने सीट में जाती है, तब मिनहवन उसे मैसेज करके कहता है, मैंने अपना स्टॉक बेच दिया। तभी जीहुक आकर कहता है, सभी लोग न्यू प्रोडक्ट के सर्वे डाटा लेकर मीटिंग में आओ। तब जियोन खड़ी होकर कहती है, जो हुआ था वो होकर ही रहेगा, और वो जाने लगती है। तभी सुमिन उसके पास आती है, तब जियोन कहती है, बस उसे किसी और के साथ होना पड़ेगा। और वो सुमिन से कहती है, मेरा थोड़ा कचरा है, क्या तुम वो फेंक दोगी? तो सुमिन हाँ कहती है और कहती है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ खाने के लिए जाना होगा। तो जियोन ओके कहती है। वहीं सुमिन अंदर चली जाती है, तब जियोन सुमिन और मिनहवन को देखती है और कहती है, तुम मेरे कचरे को ले लो, मेरे हस्बैंड से शादी कर लो। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है, और आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।